एवरीवन, मैं हूँ कल्पना प्रजापति और आज हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन 5। सिचुएशन 5 हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। इसमें है मिस गीता, जो मैथमेटिक्स की एक टीचर हैं। वो टोट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ट्रायंगल इन द एलिमेंट्री क्लास। उन्होंने एलिमेंट्री क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ट्रायंगल का, और वो कहती हैं, पूछती हैं बच्चों से कि अलग अलग टाइप के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताओ। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो आंसर नहीं कर पाते इस क्वेश्चन का, एंड दिस बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो अब वो पूछती हैं कि कौन कौन से टाइप के जो हैं हमारे क्या होते हैं ट्रायंगल होते हैं, बच्चे आंसर नहीं कर पाते, और बच्चों के लिए ये क्या एक बन जाती है, ये एक समस्या बन जाती है। दे कैरीड दिस असाइनमेंट होम, और वो इस समस्या को लेके कहाँ आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं, और दे थॉट ओवर द प्रॉब्लम एंड ड्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। अब क्या करते हैं, अब इस प्रॉब्लम को लेके वो घर आते हैं और वो इस प्रॉब्लम के ऊपर काफ़ी सारा सोचते हैं, और फिर अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स बनाते हैं। और जो अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल बनाते हैं उनके अंदर वो अलग अलग टाइप की क्या बनाते हैं, साइड्स बनाते हैं और एंगल्स बनाते हैं, और इन बेसिस पे वो क्या बनाते हैं, कुछ फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस एज वेल, और क्या बनाते हैं वो, कुछ परिकल्पनाएँ बनाते हैं। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर है कि मिस गीता ने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया और फिर पूछा है किस किस टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, बच्चे के लिए वो प्रॉब्लम बन गई है, वो घर जाके उसके ऊपर सोचते हैं, अलग अलग टाइप के वो ट्रायंगल बनाते हैं, अलग अलग साइड्स के और अलग अलग एंगल के। अब जो उसके बाद उन्होंने क्या बनाया, कुछ परिकल्पना बनाई इन एंगल्स को, अलग अलग टाइप्स के एंगल्स बनाने के बाद, कि साइड्स आर अनइक्वल। जब उन्होंने अलग अलग टाइप के एंगल्स बनाए, ट्रायंगल बनाए, तो उन्होंने देखा कि उन सब की साइड्स जो हैं, कुछ की साइड जो हैं अनइक्वल हैं, और टू साइड्स आर, और कुछ जो ट्रायंगल हैं उनमें जो दो साइड्स इक्वल हैं, जो तीसरा सिचुएशन में थ्री साइड्स की कई, जो कुछ ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, और जिस ट्रायंगल में एक एंगल उन्होंने 90 डिग्री का बनाया है, तो जो बाकी के दो एंगल हैं उनका सम क्या आया है, 90 डिग्री आया है। अगर एक एंगल उन्होंने 90 से ज़्यादा बनाया है तो बाकी जो दो हैं वो उनका एडिशन जो है 90 से कम है, और फिर ईच एंगल उन्होंने 60 डिग्री का भी बनाया। तो ये सारे उन्होंने अलग अलग परिकल्पना बना के, और हर हाइपोथेसिस, फॉर ईच ऑफ द हाइपोथेसिस द स्टूडेंट्स नेम्ड द डिफरेंट ट्रायंगल डिफरेंटली, और हर हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो जो उन्होंने ट्रायंगल बनाया है उनको अलग अलग नाम दे दिए, और इस वजह से स्टूडेंट्स क्या हुए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया उन्होंने। तो अब आप ये देखिए कि ये जो सिचुएशन है ये हमें कैसे, हमें अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसी सिचुएशन हमारे पढ़ाते हुए रोज़ आती है। तो ये सिचुएशन से कैन बी इन्फेरेड दैट प्रॉब्लम चैलेंजेस स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे बच्चों के सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम बच्चे को चैलेंज करती है कि वो अपनी प्रीवियस नॉलेज का, जो उनका पूर्व ज्ञान है, उसका यूज़ करके उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। हमने साइकोलॉजी में हमने एक बात भी पढ़ी थी कि अगर कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सामने कोई चैलेंज होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उनका मस्तिष्क है जो स्ट्रेस के अंदर जो है वो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स वो निकालते हैं। तो ऐसे ही जब बच्चों के सामने प्रॉब्लम हम देते हैं, प्रॉब्लम चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो वो अपनी प्रीवियस नॉलेज उससे कैसे रिलेटेड है उसका यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम शुड बी पुट फॉर, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो उनको समझ आनी चाहिए, वो क्लियरिटी होनी चाहिए वर्ड्स में, आखिर उसे उन्हें प्रॉब्लम में ढूंढना क्या है। और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होनी चाहिए। अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम दी जा रही है तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि अभी यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉब्लम थी, लेकिन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट टीचर ने पढ़ा दिया था, लेकिन अब ट्रायंगल की बात है और आप दे दो सर्कल के बारे में, तो वो आपने नहीं कराया तो बच्चे से वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं होगी ना उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से। तो जो प्रॉब्लम है वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और तो स्टूडेंट जो हैं
does analysis and synthesis of the problem with the help of the teacher and tries to find out solution. अब जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, अलग अलग सिंथेसिस बनाएंगे. ठीक है, पहले एनालाइज करना मतलब पहले प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना, छोटे 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 टुकड़ों में बांटना. जैसे उन्होंने ब्रेक डाउन कैसे किया, जो उन्होंने अलग 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 साइड्स के अलग अलग एंगल के ट्राइंगल बना के देखे, तो उन्होंने क्या किया, एनालिसिस किया, ब्रेक डाउन किया. और सिंथेसिस का मतलब होता है जब हम चीज़ों को जोड़ देते हैं. तो जब उन्होंने ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाए तो उन्होंने एक रिजल्ट पाया और टीचर की हेल्प से उसका नाम दे दिया कि जिसकी ईच साइड जो 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है, उसकी साइड्स भी इक्वल आ रही है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा. जिसकी एक साइड हमारी 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो भी 90 के ही आएंगे, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा. तो इसमें क्या लिया, उन्होंने एनालिसिस किया पहले, फिर सिंथेसिस करेंगे, और इसमें टीचर की हेल्प उन्हें चाहिए होती है सॉल्यूशन निकालने के लिए. जो अब है, हम इस प्रॉब्लम को जो 10वीं के से दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ फीचर्स होते हैं. सबसे पहले है अ गोल टू बी रीच्ड, कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है, हम किस गोल को अचीव करना चाहते हैं. फिर और उस जैसे हमारा उद्देश्य, मान लो आपका उद्देश्य है कि जो ये टीचर का DSSB का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है, आपका उद्देश्य है, गोल है. अब है नीड टू रीच द गोल, ए फेल्ट कि जो आपको, आपका उद्देश्य तो है लेकिन आपको उसकी ज़रूरत भी लगे कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है. जैसे आपका डेस्टिनेशन है कि आपको कश्मीर घूमने जाना है, गोल है, लेकिन आपको गोल तो आपने बना लिया लेकिन आपको वो ज़रूरत भी महसूस होनी चाहिए वहाँ तक जाने की. अब चैलेंजिंग द फेल्ट डिफ़िकल्टी थ्रू कॉन्शियस प्लान एंड अब है कि जो भी हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको कॉन्शियसली क्या करना है, प्लानिंग करनी है उसकी. और हमें जो भी हमारी डिफ़िकल्टी, जैसे बच्चों के सामने अभी क्या डिफ़िकल्टी आई है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कि अलग अलग टाइप बताने की, जो कि कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है. हवा में तीर नहीं मारते, हमें क्या करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ करना है. जैसे आपको कश्मीर जाना है तो आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि आप बाय ट्रेन जाएंगे, बाय प्लेन जाएंगे, या बाय कार जाएंगे. ठीक है, पर्सनल कार से जाएंगे, खुद ड्राइव करके जाएंगे, किसी ड्राइवर के साथ जाएंगे. तो ये सारी चीज़ें कि हमें क्या करता है, चैलेंजिंग द फेल्ट डिफ़िकल्टी थ्रू कॉन्शियस और प्लान्ड तरीके से हमें चैलेंज करते हैं उस डिफ़िकल्टी को, कि कैसे हम इसे सॉल्व करना है. फिर हम क्या करेंगे, रीचिंग द गोल और अराइविंग एट सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन. तो अब क्या होगा लास्ट में, और हम बाद में जब हम अपनी चैलेंज कर लेंगे चीज़ों को, फिर हम बाद में, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कैसे जाऊँगी, बाय ट्रेन जाऊंगी, तो मैंने क्या किया, अपने गोल पे सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन मुझे मिल गया और एंड में मैं वहाँ पहुँच गई. तो ऐसे ही बच्चों को सॉल्यूशन मिला, कि बच्चों ने हाइपोथेसिस बना लिए और अब उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि ये इतनी साइड्स, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आइसोस्केलस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें मिलेगा. तो अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स होते हैं. तो जो सबसे पहला स्टेप है उसका, वो है हमारा, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफाई एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. कि सबसे पहले क्या करना है हमें, इसके अंदर हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया और डिफाइन किया प्रॉब्लम को. हमारी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अराइज आउट ऑफ फेल्ट नीड एंड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज. जो प्रॉब्लम जो भी अराइज होगी ना, जो स्टूडेंट एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे, और ये जो हमारे एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटीज़ रिलेटेड है, उस बच्चों की ज़रूरत से जुड़ी होनी चाहिए प्रॉब्लम. ये नहीं कि बच्चों की प्रॉब्लम दूसरी है और आप और कुछ प्रॉब्लम दे रहे हो, ऐसा नहीं होगा. इसके अंदर सबसे पहले कि जो प्रॉब्लम है बच्चों की आवश्यकता से जुड़ी होनी चाहिए, और स्टूडेंट जो है एबल होने चाहिए, इस योग्य होने चाहिए कि वो प्रॉब्लम को
आइडेंटिफाई कर ले और क्लियरली डिफाइन कर ले कि अच्छा ये मेरी प्रॉब्लम है, कि मुझे जैसे मुझे कश्मीर जाना है, ये मेरी क्या है प्रॉब्लम है। अब एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, अब क्या करेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे चीज़ों को, कि द प्रॉब्लम शुड बी प्रॉपरली एनालाइज करेंगे कि कैसे हम अलग अलग तरीके ढूंढेंगे कि कैसे हम वहाँ तक पहुँचे। एनालिसिस का मतलब मैंने बताया ना अभी, ब्रेक डाउन करना चीज़ों को, छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे और हर पार्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है, प्रॉपरली हर चीज़ को एनालाइज करेंगे। फिर स्टेटिंग क्लियरली द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, अब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या करेंगे, हम रिलेशनशिप बनाएंगे। जैसे एनालाइज किया हमने प्रॉब्लम का कि मुझे कश्मीर जाने में क्या है, मेरे पास ऑप्शंस अलग अलग हैं कि किस 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 मीडियम ऑफ मींस ऑफ क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके मैं वहाँ जाऊँ। तो मैंने एनालाइज कर लिया अलग 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 प्रॉब्लम को शुड बी प्रॉपरली। फिर मैंने रिलेशनशिप बिठाया, रिलेशनशिप क्या, मैंने कहा रिलेशनशिप ये है कि अगर मैं ट्रेन से जाऊंगी तो मुझे उतरना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर वहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे बस करनी पड़ेगी, कोई ग्रामीण सेवा करनी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए, कोई टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, या फिर मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं अपने घर से ही चली जाऊँ खुद ड्राइव करा के। लेकिन ये तो बहुत सारे जितने भी जो हमने हैं इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम में रिलेशनशिप अलग अलग कॉन्सेप्ट में रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करेंगे। फिर है हम फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अब इस बेसिस पे हम अलग अलग हाइपोथेसिस बनाएंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन हमारे निकल सकते हैं कि जिससे कि हमारे प्रॉब्लम नेचर ऑफ द प्रॉब्लम से रिलेटेड कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इसके क्या क्या जो हमारे क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अब जैसे मैंने रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया कि मैं कार से वहाँ जाऊँगी फिर बस से जाऊँगी, अलग अलग देखे, अब मैंने हाइपोथेसिस सॉल्यूशन प्रॉपर देखे कि प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए मैंने कहा कि क्यों ना मैं गूगल की हेल्प लूँ, या मेरे कोई फ्रेंड है वहाँ पे कश्मीर में, मैं तो उससे पूछूँ कि कौन सा बेस्ट मीडियम क्या कहते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट रहेगा, या मैंने क्या कि किसी एयरलाइन से बात करी, किसी जानकार से जिसका पहले से चीज़ें है, या मैंने नेट पे अच्छे से रिसर्च किया उसके बारे में। तो क्या हो गया, मैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस बना रही हूँ, सॉल्यूशन ढूंढने के पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या होगा, जो भी मैंने किया है सॉल्यूशन निकाले हैं उसकी टेस्टिंग कर रही हूँ कि क्या ये सॉल्यूशन ठीक है, कि मुझे आज अर्जेंट मीटिंग है, क्या मैं आज अर्जेंट मीटिंग है तो क्या मैं ट्रेन से जाना ठीक है मेरा या प्लेन से जाना ठीक है। तो ये क्या है, ईच हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ टू बी वेरीफाइड नंबर ऑफ टाइम्स टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस। अब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा हम उसको बहुत बार क्या करेंगे, उसको हम वेरीफाई करेंगे वैलिडिटी देखने के लिए। जब हमने वैलिडिटी का मतलब आप को मैं दोबारा बता देती हूँ, हमने पढ़ा भी था, वैलिड कोई भी चीज़ जब होती है जब वो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। अगर मैं स्पेक्स लगाती हूँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, अगर मैंने स्पेक्स लगाए और मुझे अब क्लियरली दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है चश्मा लगाने का वो फुलफिल हो रहा है। लेकिन मान लो मैंने चश्मा लगा रखा है लेकिन मुझे फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि उस चश्मे के लेंसेज जो हैं वो मेरी आई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जितने तो अब ये क्या हमें क्या करना है, वैलिडिटी हम इसकी टेस्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा वेरिफिकेशन। अब जो आ जाता है टीचर का क्या रोल है, मेन हमें ये पता होना चाहिए, सबसे पहले एक प्रॉब्लम को क्रिएट करना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है क्लासरूम में, फियर फ्री, फियर डर बिठा के नहीं कि ओहो ये तुम्हें करना ही है ये, और डर बिठा दो मेंटली डर या फिजिकली डर, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको एक उनको इंस्पायर करना है कि दैट यू कैन डू इट, आप सोचो आप कर सकते हो इसके बारे में, तो आपको उन्हें इंस्पिरेशन देनी है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। अब असिस्ट करना है स्टूडेंट को परसीव डिफाइन एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, कि वो
क्या करे जो प्रॉब्लम है उसको परसीव कर सके, उसे समझ सके कि क्या मेरी प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये नहीं कि अब स्टूडेंट को बता दिया ये प्रॉब्लम है, उस स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि भैया हमें करना क्या है, वो ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं, नकल मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम समझ आए, वो परसीव कर सके, उसको डिफाइन कर सके, फिर बता सके। पहले आप परसीव मतलब पहले वो समझ सके, और डिफाइन में वो अपने शब्दों में बता दिया उस कहते सम कि ये प्रॉब्लम है, एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, वो कह सके कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है और हमें क्या इसके सॉल्यूशन ढूंढने हैं। अब बच्चे को प्रॉब्लम को एनालिसिस करने में हेल्प करनी है। एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करना। अब बच्चे के सामने प्रॉब्लम दिक्कत आ गई है, अब वो एनालाइज करने में हेल्प करो। जैसे ट्रायंगल वाली दिक्कत थी, अब बच्चे को एनालाइज, अब बच्चे पूछ रहे हैं, ये नहीं मूक दर्शक बन के बैठ जाना, उनकी हेल्प भी करनी है। आंसर नहीं बताना, बस एक मार्गदर्शन दिखाना है कि अगर वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है ट्रायंगल में, अपने अपने आइडियाज़ व्यूज़ दे रहे हैं कि क्या मैम मैं ऐसा ट्रायंगल बना सकता हूँ, क्या इसमें इतने एंगल ले सकते हैं हम, क्या इसकी साइड्स अनइक्वल करेंगे तो क्या होगा, जो मैनिंग क्वेश्चंस होते हैं उनके, तो उन्हें एनालिसिस करने में हेल्प करना है। फिर उनको हाइपोथेसिस बनाने के लिए एनकरेज करना है। क्यों नहीं, अगर किसी बच्चे ने गलत हाइपोथेसिस भी बना दी तो उसे डांट के नहीं बिठाना, आप उसे उन्हें क्या कहते हैं कहिए, कोशिश करने के लिए कहिए कि वो अपनी जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आए, उनकी हेल्प कीजिए। मतलब डिमोटिवेट नहीं करना अगर बच्चा गलत हाइपोथेसिस बना ले तब भी, बल्कि उसकी मदद करनी है उसे बताने में कि ये आप कुछ गलत कर रहे हो। हेल्प करनी है स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग, ओपन हैंडेडनेस और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और डिस्कवरी में। अब यहाँ पे जो कि उनको बताना है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग करो, सोचो एक खुले दिमाग से सोचो, और इंक्वायरी करो इस पर, डिस्कवरी करो, अलग अलग सोर्सेज से पूछो, हेल्प लो है तो क्यों। अगर आप थाली में परोस के सब कुछ दे दोगे तो वो कुछ नहीं करेंगे, आपको उन्हें रास्ता दिखाना है, ऑप्शंस बताने हैं, करेंगे वो खुद। तो आई होप कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिचुएशन क्लियर होगी हो। एग्ज़ाम्स में ऐसे ही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को आप शेयर कीजिए। ये लंबी वीडियो हो रही है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं। तो आप इतने वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू प्रॉब्लम के साथ। टिल देन गुड बाय।